हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू आवर चैनल गोल्डन शेयर मार्केट एकेडमी। चलिए जो है मार्केट को समझने की कोशिश करेंगे कि मंडे को क्या कुछ हो सकता है, कैसे मंडे को हमारा प्लानिंग होना चाहिए ट्रेडिंग के लिए। तो सबसे पहले हम समझेंगे बैंक निफ्टी में, और उसके बाद हम निफ्टी में समझेंगे। देखो, पहले तो वन डे टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं निफ्टी में एक डोजी कैंडल बना है, और ये भी डोजी कैंडल कैसा है, एक ग्रीन कैंडल के अंदर ये डोजी कैंडल बना है। तो इसे जो है नॉर्मली देखो, अगर यही थोड़ा रेड में रहता ना, तो इसको हम जो है बेरिश हरामी कैंडल बोलते थे। लेकिन ठीक है, चलो फिलहाल है तो नेगेटिव कैंडल। देखो वन डे टाइम फ्रेम में थोड़ा नेगेटिव दिख रहा है, एक बड़े ब्रेकअप ब्रेकडाउन होगा, सॉरी यहाँ पे देखेंगे तो ब्रेकआउट होने के बाद, इस रेड कैंडल के ब्रेकआउट होने के बाद एक जो है थोड़ा नेगेटिव कैंडल यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम में दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि मार्केट नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखो ब्रेकआउट दिया है तो मार्केट पॉजिटिव है। और दूसरा चीज लेकिन ये भी है कि मार्केट कहीं ना कहीं हाई से ही डाउन ट्रेंड लेता है, तो दोनों बातें हमको कंसिडर करना होगा। अभी चलो वीकली में देखें तो वीकली में काफी अच्छा कैंडल क्लोज किया है, काफी मजबूत ग्रीन कैंडल है यहाँ पे, इस कैंडल का हाई ब्रेक किया है इस वीक का। तो वीकली में कहीं ना कहीं पॉजिटिव क्लोजिंग दिख रहा है, मार्केट अभी भी अप ट्रेंड में है। अगर हम वीकली में एक ट्रेड लाइन लगा ले यहाँ पे तो ये हमारा ट्रेड लाइन बन जाएगा। सो जब तक इस ट्रेड लाइन के नीचे देखो मार्केट नहीं आता है, तब तक फिलहाल हम मार्केट को डाउन ट्रेंड यानी रिवर्सल नहीं ये करेंगे, राइट। अब चलो वन डे में हम इसे ले या फिर हम 15 मिनट लेके समझते पहले, या फिर चलो आवरली में लेते हैं। तो आवरली में अगर आप देखो तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन यानी फ्राइडे को कहीं ना कहीं मार्केट बहुत ही जो है एक रेंज में काम किया है, जो कि रेंज देखेंगे जब ओपन और क्लोज की बात करेंगे रेंज तो 46,165 से लेके 46,049 या 40 तक का रेंज था, यानी ओपन क्लोज में। हाई लो की बात करेंगे तो इसने जो है 46,365 से लेके, जो कि सुबह सुबह 1 घंटे में गया था, और 45,926 का लो बनाया था। तो इस रेंज में मार्केट ने काम किया है। अब देखो अगर एक डोजी कैंडल है तो अगर यहाँ पे कोई एक कैंडल जो है डोजी के लो के नीचे क्लोज हो जाता है, यानी कि ये वाले यानी 45,928 के नीचे अगर कोई कैंडल एक 5 मिनट या 15 मिनट का क्लोजिंग दे देता है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा हम निगेटिव मार्केट को पकड़ सकते हैं। जब तक इसके नीचे क्लोज नहीं देता है, समझो मंडे को बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो गया 46,000 के आसपास, और अच्छी बात यह है कि 46,133 के ऊपर ओपन किया है, क्लोज किया है प्राइस को, इसलिए कोई ज्यादा टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे अगर समझो कि मार्केट फ्लैट खुलता है कल के दिन 46,100 के आसपास जो है, और कोई एक कैंडल 5-15 मिनट का सुबह सुबह आके अगर इसके नीचे क्लोज कर देता है तो मार्केट इमीडिएट बेसिस पे नीचे की तरफ जाएगा, यानी 45,930 के नीचे क्लोजिंग करना मार्केट के लिए थोड़ा डाउन साइड रिवर्स जो है जा सकता है। अगर जब तक इसके पास आके टच करके ऊपर जा रहा है, तब तक ये एज अ सपोर्ट की तरह काम करेगा। सेम ऐसे ही अगर मार्केट जो ये जो पॉइंट है पिछले दिन का हाई, कल का फिर एक हाई जो कि 46,255, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग करता है, राइट, इसके ऊपर क्लोज करता है तो फिर यहाँ पे यानी 46,200 के ऊपर समझो अगर सस्टेन होना शुरू करता है मार्केट, एक कैंडल क्लोज करता है तो यहाँ से और भी बड़ी रैली ऊपर की तरफ हमको देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे देखो इम्पोर्टेंट यही है कि भाई या तो 46,000 के नीचे सस्टेन हो या 45,930 के नीचे कैंडल क्लोज हो सुबह सुबह, या 46,200 के ऊपर क्लोज करे सोमवार के दिन सुबह सुबह। अब समझो ये अगर समझो ये सुबह ये चीज नहीं हो गया, सुबह फ्लैट खुला, इसी दायरे में मार्केट ट्रेड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये ब्रेकआउट देने की कोशिश करेगा। अगर सोमवार को नहीं दिया तो फिर ये आपको मंगलवार को दे सकता है या बुधवार को दे सकता है, लेकिन इम्पोर्टेंट लेवल बहुत है यहाँ पे है कि 46,250 या 260, और यहाँ पे 45,930 या फिर 46,000 के नीचे भी अगर ट्रेड करना शुरू करता है तो भी मार्केट में एक जो है नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि 46,000 अभी इम्पोर्टेंट एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। इसके नीचे अगर सस्टेन होना शुरू हुआ तो नेगेटिव हो सकता है, फिर आपको नीचे की तरफ टारगेट, एक बड़ा टारगेट मिल सकता है जो कि 45,300, 45,000 का भी इवन हो सकता है। सो ये जो आने वाले हफ्ते में
थोड़ा सा आपको बड़े टारगेट के साथ ट्रेड करना पड़ेगा अगर ये लेवल के ब्रेकआउट हो गए तो। अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया इसका मतलब ये डोजी काम नहीं किया, ये ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक किया, तो फिर आपको एक फ्रेश रैली देखने को मिलेगा, क्योंकि ये छोटे से करेक्शन के बाद, छोटे से पुल बैक के बाद ये ब्रेकआउट हुआ है, तो आपको एक बड़ा टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर हम ये टारगेट निकालने की कोशिश करें फिबोनाची के जरिए, तो यहाँ पे ये टारगेट जो निकल के आ रहा है इसके हिसाब से वो भी देख लेते हैं। तो पहला टारगेट तो फिलहाल यही था 46,350, देखो कंप्लीट किया है। और दूसरा टारगेट पकड़ेंगे तो 47,500 का बन रहा है, जो कि एक बड़ा टारगेट आपको मिल सकता है। तो वही मैं बोल रहा हूँ, अगर इसका ब्रेकआउट हुआ, क्लोज किया इसके ऊपर, तो आपको एक 1,500 का पॉइंट का जो है, 1,000-1,500 पॉइंट का ऊपर तरफ रैली मिलेगा। अगर नहीं हुआ, इसके नीचे क्लोज किया, तो आपको नीचे की तरफ फिर से वापस से जैसे ये पुल बैक आया था वैसे एक और पुल बैक इसी पॉइंट से आ सकता है। हो सकता है मे भी 45,666 या 45,500 या फिर 45,000 का भी हो सकता है। हालांकि 45,000 का होता नहीं है, लेकिन मतलब होगा नहीं, 45,000 होना नहीं चाहिए इतना बड़ा। लेकिन अगर हुआ तो जैसे देखो, अगर इस ट्रेंड का हम करेक्शन पकड़े, तो फिर यहाँ पे अगर समझो ये करेक्शन लेता है तो 61% पकड़ेंगे तो 45,230 का आता है, 45,230 से 45,500, ये दो लेवल्स में करेक्शन हो सकता है, राइट। तो ये मंडे के दिन यानी इस कैंडल यानी 46,200 के ऊपर और 46,000 के नीचे बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा मार्केट के लिए, राइट। इसके बाहर कहाँ पे निकल रहा है, तो ये व्यू रहेगा फिलहाल बैंक निफ्टी के लिए। आई होप कि ऐसे ही मार्केट कुछ काम करना चाहिए और देखते हैं कैसा चलता है। चलिए थोड़ा निफ्टी समझ लेते हैं, निफ्टी में कैसा है, क्या लग रहा है अपने को। देखो निफ्टी जो है इस समय ट्रेड कर रहा है 19,745, थोड़ा निगेटिव हुआ है, इस ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोज किया है, ये थोड़ा सा निगेटिव चीजें है। लेकिन देखेंगे तो निफ्टी कहीं ना कहीं जो इसका टारगेट था 20,000 का, वो ऑलमोस्ट अचीव कर चुका है, वहीं से नीचे की तरफ आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो है एक रिवर्सल भी हो सकता है, क्योंकि 20,000 बहुत ही मजबूत रेजिस्टेंस रहेगा मार्केट में, इसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल होना चाहिए, राइट। लेकिन फिलहाल अभी भी जो निफ्टी यहां से देखेंगे तो अब ट्रेंड में चल रहा है, राइट। अभी यहां से इसने इस लो को टच किया था, राइट, तो ये ट्रेंड खत्म हुआ था। सो अभी फिलहाल ये फ्रेश ब्रेकआउट दिया है। अगर समझो कि अगर मार्केट को यहां से अगर इसको अप ट्रेंड बनाना है, राइट, अभी देखो ये तो एक ट्रेंड हो गया, राइट, इसके ऊपर निकल रहा है। अगर इसका भी हम टारगेट निकाले कि कहाँ तक जाना चाहिए था इसको, क्या इसका टारगेट था इस ट्रेंड का फिबोनाची से, तो ये भी लगभग देखेंगे तो देखो गया था टारगेट के पास, पूरा अचीव नहीं किया, 20,184 का है, शायद हो सकता है अभी बचा हो तो और जा सकता है। इस ट्रेंड का जो टारगेट है वो पूरा अभी तक नहीं हुआ है, शायद और भी जाना चाहिए, लेकिन 20,000 एक मजबूत रेजिस्टेंस रहेगा, ये चीज को ध्यान में रखना है। सो देखो जब तक अभी मार्केट जो अपना हाई बनाया था ये वाले लेवल्स 18,800 के नीचे, जब तक अगर नहीं आता है इसके नीचे, तब तक हम मार्केट को पॉजिटिव पकड़ेंगे। यानी मार्केट समझो अभी ये अगर हम यहां से इसको एक ट्रेंड पकड़े, राइट, ने ब्रेकआउट हुआ, नीचे आया, फिर से ये भी चल रहा है इस तरह से पकड़े, तो फिर ये इस तरीके से मार्केट ऊपर की तरफ जाना चाहिए। तो मंडे की हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए वो समझ लेते हैं। वीकली में तो देखो ऊपर से थोड़ी सी बिकवाली दिख रही है, इस ग्रीन कैंडल में थोड़ा प्रेशर दिख रहा है क्योंकि 20,000 का रेजिस्टेंस है। और वनडे में देखेंगे तो भाई ये भी ग्रीन के नीचे आया है। अगर समझो यहाँ पे हमारा ये जो रेड है अभी कैंडल बना है, जो लास्ट इसके नीचे अगर क्लोज करता है, सॉरी आता है, अगर कैंडल कोई 15 मिनट का क्लोज करता है, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे यानी ये जो रेड कैंडल का लो है प्रीवियस शुक्रवार का, इसका लो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर ये ब्रेक नहीं करता है तो हम जो है मार्केट में वापस से ऊपर की तरफ जा सकता है। सो यानी हम इसको एज अ ट्रेड लाइन भी ले सकते हैं। देखो ये वाला जो ट्रेड लाइन है इसको भी हम एज अ ट्रेड लाइन ले सकते हैं। अगर इसके ऊपर आके सस्टेन होता है तो हम समझ जाएंगे भैया ये लो ब्रेक नहीं करेगा, हालांकि क्योंकि प्राइस एक्शन भी बना चुका है देखेंगे तो, राइट ना, इस तरीके से लो बना के अभी इसके ऊपर अगर निकलता है तो हमारे ये निफ्टी वापस ऊपर की तरफ जाएगा, इसका मतलब वो गिरावट नहीं होगा। तो हम यानी हमारे लिए निफ्टी में देखेंगे तो ये लेवल इंपॉर्टेंट है 19,820, इसके ऊपर अगर सस्टेन होता है तो हम इसमें बाई करेंगे, लेकिन टारगेट हमारा बहुत बड़ा नहीं रहेगा, 20,150 पॉइंट रहेगा, राइट। लेकिन अगर 19,600 यानी 700 के नीचे अगर क्लोज होता है तो यहाँ पे फिर आपको निगेटिव देखने को मिलेगा निफ्टी, और यहाँ पे आपको एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकता है। तो ये रहेगा जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी में व्यू फिलहाल मंडे के लिए। और अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात कर ले तो यहाँ पे मुझे जो स्टॉक लग रहा है जिसपे आप ऑप्शन या फिर कैश के जरिए जो प्लान कर सकते हैं वो है बलरामपुर चीनी। थोड़ा देखो यहाँ पे ये स्टॉक में एक रैली देखने यहाँ पे देखने को मिला था, ऊपर तरफ जाएगा,
नीचे आ गया, ये रेंज बनाया, इस रेंज को ब्रेक किया, नीचे की तरफ आया, राइट, यहाँ पे बहुत सारे एसएल हिट हो गए और अभी ये इस रेंज के वापस से ऊपर जा रहा है, इसमें ऊपर की तरफ एक रैली देखने को मुझे हिसाब से मिलना चाहिए। तो ये स्टॉक पे आपको रख सकते हैं नजर। सो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा कैसे काम करना है मंडे को। वीडियो को लाइक कर लीजिए, जानकारी मिली हो, कुछ भी अगर डाउट है, कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके फ्रेंड, थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं कल के दिन।